जब पूरा इंडियन बैंकिंग रिटेल बिजनेस पे फोकस कर रहा है तब सिटी बैंक अपना रिटेल बिजनेस इंडिया का छोड़ के जाने की बात यहां पे हो रही है और दे हैव डिसाइडेड आल्सो एंड दे विल गो आल्सो। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है ये यह, यहां पे हम समझेंगे तो पहली बात तो एक बात बता दो आपको कि इससे कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंडियन बैंक्स पे ऐसा नहीं है बिकॉज दे हैड वेरी लिटिल मार्केट शेयर आई थिंक सिंगल डिजिट मार्केट शेयर है पूरे फॉरेन बैंक्स का उसमें कुछ परसेंटेज सिटी बैंक के पास है सो so ये एक दो का मार्केट शेयर कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट इंडियन बैंकिंग कि क्यों ये फॉरेन बैंक्स यहां पे नहीं टिक पाते हैं इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे एंड ये एंगल थोड़ा दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भी फिट होता है क्या ये भी हम समझेंगे बट एक चीज तो पॉजिटिव है कि यहां अगर इंडिया में आपको ग्रो करना है तो देर इज नो अदर सोल्यूशन बट इंडियन बैंक ओनली ये हम समझ गए मतलब दे दे बिलियंस ऑफ बट स्टिल फेल बताता हूं मैं आपको सिटी बैंक जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सैलरी अकाउंट के पीछे था मतलब आई स्टिल रिमेंबर इन टू 4, 5 वगैरह उस टाइम पे एंड दे ओपन लॉड ऑफ सैलरी अकाउंट्स ऑल्सो आई थिंक कुछ सुविधा कुछ ऐसा नाम था शायद उनके सैलरी अकाउंट्स वो ओपन करते थे एंड नॉर्मली इंडिया में दैट वॉज अ पीक टाइम फॉर आई टी सर्विसेज और टिपिकल चर्निंग होती थी कि भाई दो तीन साल एक आई टी कंपनी में फिर निकल गए दूसरी कंपनी में तो वहां पर क्या होता था कि आपका अगर सिटी बैंक के साथ अकाउंट है और वो अभी सैलरी अकाउंट नहीं रहा क्योंकि देर आर नो सैलरी क्रेडिटेड आपने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वहां से वो सैलरीज नहीं आ रही तो फिर वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो जाता है और फिर जो दबाकर चार्जेस लगते थे नॉन मेंटेनेंस के मोबाइल ये अलर्ट्स के एसएमएस अलर्ट्स एंड ऑल दो नेट बैंकिंग ये वो एन करो आर करो बहुत ज्यादा चार्जेस एंड एवरीथिंग सो लोगों को लगता था यार फिर मैं क्यों रखू ये यहां पर अकाउंट सो so, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड द रिक्वायरमेंट द मेन रिक्वायरमेंट इज स्ट्रांग लायबिलिटी फ्रेंचाइज तो जब तक डिपॉजिटर आपके पास आके पैसे नहीं रखता है तब तक आप सक्सेसफुल बैंक इंडिया में नहीं बन सकते हो एंड दैट पर्टिकुलर परसेंटेज शुड कंटिन्यू एंड द ग्रोथ शुड ऑल्सो बी देयर विद गुड डबल डिजिट नंबर तो वहां पर बहुत ज्यादा लैक कर गया सिटी बैंक आई एम नॉट इतने बड़े बड़े लोग हायर किए हैं बट मैंने बोला और देखा वो इतना सिंपल चीज नहीं कर पाया आई थिंक दिस इज आई डोंट नो मतलब ऐसा क्या क्यों ये एम एन सी बैंक फॉरिन बैंक नहीं कर पाते जो प्राइवेट बैंक कर पाते हैं जो नए नए प्राइवेट बैंक आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अब उसी लेवल उसी सीजन में अगर हम देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक भी तो तभी आया था उनका भी इनिशियल फोकस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे था जैसे कि सिटी बैंक आए बट दे हैव डेवलप्ड द बैंकिंग फ्रेंचाइज सो वेल

अब वो तो बिल्कुल ही नहीं मतलब अगर टोटल ब्रांचेस कितने क्लोज करने वाले हैं तो आई थिंक कुछ हाथ पे गिनने जैसे ब्रांचेस दे आर गोइंग टू क्लोज इन इंडिया 16 या 17 ब्रांचेस है बोल रहे सो हाउ अ बैंक कैन सर्वाइव व्हेन यू कैन नॉट स्केल योर बिजनेस इन इंडिया जहां पे हम बात करें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एट नेसेंट स्टेज सो मच ऑफ ग्रोथ अवेलेबल हियर बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग सो देर इज अनादर प्रॉब्लम देन द थर्ड रीजन दे ट्राई टू सेल डेवलप मार्केट प्रोडक्ट्स टू इंडियन माइंड सेट यह इमरजिंग मार्केट है यह डेवलप मार्केट नहीं है तो अगर आप इमर्जिंग मार्केट में विच इज नॉट एट ऑल डेवलप्ड वहां पर डेवलप मार्केट्स के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करोगे सो so, पेनेट्रेशन कहां से आने वाला है the need is simple products and you are pushing exotic products it is not going to succeed so ye ek another reason hai why uh, this particular bank might be living because उनकी जो expertise है वो यहाँ पे demand supply match ही नहीं हो रहा था तो फिर bank कैसे चल सकती है so that is another reason and ये same story जो है ना मुझे लगता है ये बाकी industries में भी हो सकती है financial services के specifically एक example के तौर पर हम mutual fund की industry को देख लीजिए कितने सारे foreign houses वेदर it is JP Morgan, गन मॉर्गन स्टैंडले हो या फिर फेडिलिटी हो जो यहां पर टिक नहीं पाया फ्रेंकलिन की बातें चल रही है दे आर गोइंग टू गो बट द स्ट्रगल इज स्टिल कंटिन्यूइंग सो दैट इज अनाथ प्रॉब्लम कि ये फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट जो फाइनेंशियल माइंड सेट है इंडियन इन्वेस्टर का डिपॉजिटर का वो समझने में वो कहीं ना कहीं तो लैक हो रहे लेट्स सी अभी तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी ओपन हुई है और ये सारे प्लेयर्स अभी तो ज्वाइंट वेंचर में है इंडियन प्लेयर्स के साथ आने वाले समय में कैसे ये सारी चीज़ें प्ले आउट होती है दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वॉच बट एक चीज तो पक्का है कि यहां पर इंडियन बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक आर गोइंग टू गेट अः लीडिंग मार्केट शेयर नेाइव टू टेन ईयर्स एंड दैट्स वाई द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज कीप द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस ऑन यू आर गोइंग टू गेट अ लॉर्ड ऑफ विनर्स पीरियड ऑफ नेक्स्ट टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स ग्रोथ जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू इन अग वे तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब प्लीज विजिट इन्वेस्ट एट न्याय डॉट इन और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो स्टॉकोमीटअप प्लस जहां पे स्टॉक्स को हम एनालाइज uh, करते हैं उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड एम एफ एद्या जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं हम मोर देन टू हंड्रेड म्यूचुअल फंड्स एवरी मंथ वी रिव्यू सो प्लीज़ गो एंड विजिट इन्वेस्ट एदना डॉट इन और इन सारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिए तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए है वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बात भूलना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद